नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। इसराइल में किसी तरह ले दे के, किसी तरह ना हाँ फिर ना के बाद सरकार बनी और कुल मिलाकर अभी इस नई सरकार के कुछ ही हफ्ते बीते हैं कि इसराइल की जनता सड़कों पर है। जी हाँ, इसराइल में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने यरूशलम स्थित आवास के बाहर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन शुक्रवार को 7 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के बाद हुए, जिन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ ऐसे ही प्रदर्शन किए थे। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू को अपराध मंत्री बताने वाले बैनर पकड़े हुए थे। हिरासत में लिए गए 7 लोगों में इजरायली वायुसेना का एक पूर्व जनरल भी शामिल है। इजरायली पुलिस ने इस मामले पर बोलते हुए कहा कि एक दिन पहले हुआ प्रदर्शन गैरकानूनी था, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को रोक दिया था। पिछले महीने नेतन्याहू पर धोखाधड़ी, विश्वासघात और घूस लेने के आरोपों पर यरूशलम की एक अदालत में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। उधर एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। मामला इतना संगीन है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इसकी निंदा की। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार का केस भी चल रहा है, जिसकी सुनवाई 2 बार हो चुकी। अब देखना होगा कि आखिर इसराइल की राजनीति में होता क्या है। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा।